नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं खाद्यान्न फसलें और खाद्यान्न क्रॉप के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कौन सी वीट यानी गेहूं पढ़ रहे हैं सबसे पहले, जो विश्व का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्यान्न भोजन है या अनाज है, या अपन ये बोल सकते हैं कौन सा है, या अनाज है या खाद्यान्न फसल है। अपन आज बात करेंगे वीट के बारे में। वीट अपने भारत के अंदर है, आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा खाया जाना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो अनाज वाली फसल है वो कौन सी है, तो वो है गेहूं। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक खाया जाता है वो कौन खाया जाता है, वो खाया जाता है धान या चावल। भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल भी कौन सी है, तो आपको याद रखना चावल। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर बाजरा आता है, बाजरा के बाद में गेहूँ आता है, और तीसरे नंबर पर आता है चावल, और इसके अनुसार एक चौथे नंबर पर आ जाता है मक्का। उसी प्रकार से अपन को बात करनी है, आज अपने बात करेंगे ओनली फॉर गेहूं के बारे में, वीट वीट के बारे में बात करते हैं। देखिए गेहूं, मींस वीट, देखिए पहले से पहले बात देखिए कि सबसे पहले तो अपन को इसका ये पता होना चाहिए इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, तो अपन को पता होना चाहिए ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम एस्टिवम गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रेटिकम एस्टिवम, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसको अपन को याद रखना है ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम एस्टिवम में, और इसको आप लिखे जब भी तो नीचे से अंडरलाइन याद रखिए अगर प्रैक्टिकल वगैरह के अंदर ध्यान देने। इसके बाद में बात करेंगे कुल कौन सा है, तो इसका कुल आता है बेटा पोएसी। कौन सा आता है, पोएसी कुल से संबंधित है। पोएसी को अपन बोल सकते हैं ग्रेमनी कुल। इसके अलावा अपने एक बात कर सकते हैं घास परिवार, कौन सा परिवार बेटा, घास परिवार, ये भी याद रख सकते हो। पोएसी या ग्रेमनी या घास परिवार। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसका उत्पत्ति स्थान, क्या आपसे पूछ लेगी इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिम एशिया। कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी एशिया, या आपने इसको बोल सकते हैं तुर्की, या आपने एक और लिख सकते हैं एशिया माइनर, एशिया माइनर, ये भी याद रख सकते हो बेटा एशिया माइनर। इसके बाद हम बात करें कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें बेटा तो गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर होते हैं 42, और 42 को कहा जाता है बेटा अपन को याद रखना षटगुणित, षटगुणित है, या इसको अपन बोल सकते हैं हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड या षटगुणित, ये भी याद रहना चाहिए। अब इसके अलावा अपन को एक और है ध्यान योग्य बात है कि इसके दाने को क्या कहा जाता है, दाना या फल प्रकार, दाना या फल प्रकार आपसे पूछ ले कौन सा होता है, तो अपन को याद रखना है इसके दाने को कैरियोप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कैरियोप्सिस, इसके दाने को कैरियोप्सिस कहा जाता है, यह आपको याद होना चाहिए। देखिए आगे बात करते हैं, इसके अलावा अपन को ध्यान रखना है इसके पुष्प क्रमांक, पुष्प क्रमांक को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना स्पाइक, या तो बोलेंगे इसके स्पाइक
या बाली, या अपने इसको बोल सकते हैं ईयर, याद रखना ये। इसके अलावा अपन को याद रखना है कि पुंकेसरों की संख्या, पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है। तो अपन को याद रखना है कि जितने भी खाद्यान्न फसल में उसमें पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है, तीन, एक राइस को छोड़ के, ये भी अपन को ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करें अपने तीसरा पॉइंट देखिए कि ये C3 पादप है, कौन सा पौधा है, ये C3 पौधा है। इसके बाद में बात करें अपने, यहां पे लिख देता हूं बेटा, ये LDP मतलब लॉन्ग डे प्लांट, इसको अपन बोल सकते हैं दीर्घ दिवसीय पादप है। देखिए दीर्घ दिवसीय पादप है, ये अपन को याद रहना चाहिए। देखो अब पूरी पूरी चीज अपन ने यहाँ पढ़ी है एक बेसिक तौर पर, अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, पूरा पूरे डिस्कशन कर लेते हैं एक मिनट की। देखो आपसे पूछे हैं गेहूं पहली खाद्यान्न फसल है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो अपन को पता होना चाहिए इसका वानस्पतिक नाम है ट्रेटिगम एस्टिवम। क्या नाम बेटा? ट्रेटिगम एस्टिवम। क्या नाम है? ट्रेटिगम एस्टिवम। इसके अलावा आपसे पूछे कौन से परिवार से आती है, तो ये आती है पोएसी या ग्रेमनी या घास परिवार से संबंध रखती है। इसके अलावा पूछे कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया या तुर्की या एशिया माइनर। अपन को याद रखना ये दक्षिण पश्चिम एशिया। अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या होती है बेटा इसके अंदर कितनी, 42, और 42 को अपन बोल सकते हैं क्या, षटगुणित। जब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे उसके अंदर 28 बताऊंगा, 14 भी बताऊंगा, उसका पूरा अपन जैसे षटगुणित क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा इसके बारे में। तो आपको याद रखना है हेक्साप्लॉइड के नाम से, और ये ज्यादातर जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है कि भाई गेहूं को क्या है, तो गेहूं एक हेक्साप्लॉइड क्रॉप है, और ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ICAR के अंदर ज्यादा करता है, तो आपको ध्यान रखना योग्य। इसके अलावा इसके दाने को और या फल को क्या खा जाता है, तो इसके जो अपन खाते हैं वो दाना और उस फल को खा जाता है कैरियोप्सिस। क्या कहते हैं बेटा? कैरियोप्सिस। इसके बाद हम बात करें इसका जो इनफ्लोरेसेंस है या फूल है उसको क्या खा जाता है, तो आपको याद रखना है स्पाइक खा जाता है। क्या खा जाता है बेटा? स्पाइक या ईयर खा जाता है। इसमें पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है बेटा? तीन होती है। कितनी होती है? तीन। पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? तीन होती है। और ये जो पौधा होता है वो कैसा है, तो आपने याद रखना C3 पौधा है, और दूसरा कोमा लगा के लिख सकते हो आप चेस्मोगेमी पादप है। कौन सा है? चेस्मोगेमी पादप है। अब जो चेस्मोगेमी पादप होते हैं ना सारे के सारे, वो कैसे होते हैं, तो वो स्वपरागण होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपरागण, खुद के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं। तो अपन को याद रखना चेस्मोगेमी फसल है, तो दूसरा लिखते हैं स्वपरागण फसल है, स्वपरागण पौधा है, ये भी अपन को याद हो गया। ये अपन ऐसे कैसे याद रख सकते हैं, C3 पादप, चेस्मोगेमी पादप, स्वपरागण फसल। इसके अलावा अपन को याद रखना लॉन्ग डे प्लांट है। कौन सी प्लांट है बेटा? लॉन्ग डे यानी दीर्घ दिवसीय पादप है। कौन सा है? दीर्घ दिवसीय पादप। तो अपन को ये सारे के सारे इसको आप नोट करिए बेटा, लिखिए इसको आप। ये थोड़ा सा हल्का सा ले लेता हूँ, 20-19। अब लिखिए नोट करिए इसको आप, लिखिए लिखते रहिए। देखो आपने लिख लिया हो तो मैं आगे बताता हूँ बेटा, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। देखिए इसके बाद मैं अपन बात करते हैं, आपने लिखना है प्रोटीन।
प्रोटीन है वो कितनी परसेंट होती है? तो प्रोटीन लिखना बेटा, देखो प्रोटीन होती है 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर। जो आपने बोला था कि खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक, तो आपने याद रखना खाद्यान्न फसलों में क्या है, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में। आपसे पूछेगा कि प्रोटीन कितने है, तो आपने याद रखना कितनी है, 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है गेहूं के अंदर। आपको पूछा कि सर इस प्रोटीन का नाम क्या है, तो आपने देखो कि नीचे डेस करके लिखना गेहूं की प्रोटीन का नाम, गेहूं की प्रोटीन का नाम, प्रोटीन का, प्रोटीन का नाम, गेहूं की जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है। तो आपको याद रखना गेहूं की जो प्रोटीन है उसका नाम है ग्लूटीन। क्या नाम है बेटा? ग्लूटीन। ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, और ग्लूटीन प्रोटीन के जो गुणवत्ता के कारण चपाती क्या करती है, फूलती है। तो लिखिए ग्लूटीन प्रोटीन के कारण, ग्लूटीन प्रोटीन के कारण चपाती, गेहूं की चपाती, ऐसे लिखना गेहूं की चपाती फूलती है, ये भी याद रखना बेटा। आपसे पूछे गेहूं की चपाती किसके कारण फूलती है, तो आपको याद रहना ग्लूटीन प्रोटीन के कारण फूलती है, ये मेन है इसके अंदर। देखिए आगे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, आपने नोट कर लिया हो। देखिए आगे, इसके बाद में अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। कार्बोहाइड्रेट है वीट के अंदर कितना होता है, तो देखिए बेटा कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली खाद्यान्न फसलों के अंदर है 60 से अबव होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो अपने को याद रखना कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 64 से लेके और 67 के बीच में पाई जाती है यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में पूछे एक सर वसा कितनी होती है, वसा की बात करें तो वसा की बात करते हैं तो 1.5 से 2% वसा पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना इसके अंदर वसा। तो अपन ने दो बात की, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा के बारे में। आगे बात करते हैं अंकुरण प्रकार कौन सा है। मैंने कल भी बताया था आपको कि सभी खाद्यान्न फसलों का अंकुरण प्रकार एक ही है, अंकुरण का प्रकार। देखिए अंकुरण का प्रकार कौन सा है, तो आपको याद रहना चाहिए हाइपोजीएल। कौन सा है बेटा? हाइपोजीएल, हाइपोजीएल इसका अंकुरण प्रकार है, और इसी को कहते हैं अधोभूमिक। क्या कहते हैं बेटा? अधोभूमिक, हाइपोजियल या अधोभूमिक कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए बेटा, देखो दो पॉइंट और लिख देता हूं, इधर जगह स्पेस भी है। देखिए आपसे पूछे अंकुरण प्रकार कौन सा, हाइपोजियल, और इसके तने को क्या कहा जाता है, तो तने को लिखिए, तने को कलम, कलम कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना ही है, नोट करिए इसको, हाँ पहले से इसको नोट कर लीजिए। एक और लिख लीजिए, सुपर है गेहूं के जनक, तो सुपर गेहूं बनाया था एस नागराजन। किसने बनाया था बेटा? एस ए नाग राजन। सुपर गेहूं किसने बनाया? एस नागराजन ने बनाया था। देखिए वो नोट कर दीजिए, देखिए इसको सर।
देखिए अब समझा देता हूं आपको। देखो गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कितने परसेंट पाई जाती है? 12 से 14%, जो अपन को याद रहना, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न फसलों में। किसमें है बेटा? खाद्यान्न फसलों में। अब कई जगह लिखा हुआ है कि बाजरे के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, वो भी सही बात है, पर एनसीईआरटी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपसे पूछे, एनसीआर के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन को याद रखना है कि सबसे पहले जो खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो किसमें? गेहूं के अंदर। गेहूं की जो प्रोटीन है उसको नाम क्या नाम दिया है? तो याद रखना, गेहूं की प्रोटीन है ग्लूटीन, और ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ये बेकरी उत्पाद होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा रोल निभाता है। जैसे बेकरी उत्पादों के लिए, बेकरी के लिए जैसे आपको बता दे रहा हूँ, बेकरी के अंदर जैसे टोस्ट वगैरह बनाते हैं, और ये इसके अंदर बिस्किट वगैरह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करती है। इसके बाद में पूछे ग्लूटीन प्रोटीन के कारण अपन की जो चपाती है वो क्या करती है? फूलती है, आपको ये भी याद रखना है। दूसरी बात करें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 67 से 67%, और वसा कितनी होती है बेटा? तो 1.5 से 2% वसा पाई जाती है, ये भी याद रखना। आपसे पूछे कि सर इसके अंकुरण प्रकार कौन सा है, तो अंकुरण का प्रकार आपको याद रखना हाइपोजियल या अधोभूमिक। आपसे पूछे कि तने को क्या कहा जाता है, तो बेटा तने को कलमी कहा जाता है, और सुपर गेहूं के जनक है वो कौन है? एस नागराजन। कौन है बेटा? एस नागराजन सुपर गेहूं के जनक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं बेटा, देखिए अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले गेहूं से संबंधित संस्थान कौन से हैं, भारत में कौन सा संस्थान है, विश्व के अंदर कौन सा संस्थान है, पूरी अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल का मामला। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक इंस्टीट्यूट है आपने नाम भी सुना होगा, सिमिटी। आपको याद रहना चाहिए सिमिटी, इसके बारे में अपन को पता है, याद रखना है क्या है, ये मैक्सिन भाषा का शब्द है, पहले तो याद रख लेना। कौन सी भाषा का शब्द है? मैक्सिन भाषा का शब्द है। इसके अंदर लिखेंगे अपने इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है बीट एंड है, इंटरनेशनल बीट एंड है, मैच मैच है, इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट है सेंटर, और ये अपने कहां पे है? मैक्सिको के अंदर है। कहां पे है बेटा? मैक्सिको में स्थित है, और मैक्सिको कहां है? यूएसए के अंदर। और ये बना था कब? आपसे पूछे कब बना था? 1966 के अंदर बना था। आपको याद रखना, जैसे कोई हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है तो लिखिए, हिंदी मीडियम वाले को लिखना अंतरराष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं व मक्का सुधारक संस्थान यह केंद्र, यह इंप्रूवमेंट सेंटर, यह है मैक्सिको के अंदर। कहां पे बेटा? मैक्सिको। आपसे पूछे कहां पे है ये? मध्य अमेरिका। मैंने डायरेक्ट वहां पे यूएसए लिख दिया। और कब बना था? 1966 में बना था, यह भी आपको आना चाहिए। इसके बाद में देखो एक ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल एक ही है, वो आपको मैंने लिखवाया। देखो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, आप लिखते रहना। अब बात करेंगे इंडिया में कहां पे हैं, भारत के अंदर, तो भारत के अंदर आपको लिखना है सबसे पहले आई आई डब्ल्यू वी आर, एक जो यह है वीट एंड वारले का है, पर अपन को एक साथ ही लिखना है तो लिख लेते हैं। देखिए इंडियन, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड ए बार्ली
रिसर्च, रिसर्च ये कहां पे है? करनाल हरियाणा के अंदर। कहां पे बेटा? करनाल हरियाणा। ये बना कब था? 1978 के अंदर बना था बेटा। कई जगह इसको फिर वापस इंप्रूवमेंट किया 1990 के आसपास, ये भी याद रखना। अब बात करें कि सर पहले डायरेक्टरेट था, फिर इसके बाद में ये इंडियन बनाया, उसके बारे में पूरी बताएंगे अपन। तो आपने लिखना भारतीय, भारतीय गेहूं जो अनुसंधान, भारतीय गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान और ये कहां पे है बेटा? करनाल हरियाणा। कहां पे है? करनाल हरियाणा के अंदर है, करनाल हरियाणा के अंदर। और स्थापना आपने लिखनी है 1978 और 1990, ये भी याद रखना है। ये अपन को बीट और बारले के बारे में है, और ये इंटरनेशनल समिटी है, ये मैक्सिम भाषा का शब्द है, याद रखना समिटी, ये मैक्सिम भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से लिया गया बेटा? मैक्सिम भाषा का शब्द है, ये भी अपन को पता होना चाहिए। तो आपको ये सारी चीजें अपन ने लिखी है, बहुत सारी सारी चीजें आप नोट करिए पहले। बहुत लिखिए इसको सारे के सारे को। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं बेटा। देखिए आज से पूछे एक और लिखिए, हरित क्रांति। सर हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन। आपको यह पता होना चाहिए कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभावित होने वाली जो फसलें थी वो कौन सी थी, हरित क्रांति का जो रिलेशन था वो किससे ज्यादा रहा। तो आपको मैं बता देता हूं हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे रहा है। तो आपको याद रखना गेहूं व धान उत्पादन। अब सर्वाधिक जो प्रभावित रहा है तो वो कौन रहा है? वो रहा गेहूं। सबसे ज्यादा प्रभाव जो इफेक्ट रहा है वो किसके ऊपर ध्यान दिया गया? गेहूं के ऊपर। आपको याद रहना चाहिए हरित क्रांति का संबंध आपको याद रखना है गेहूं और चावल से संबंधित। अब हरित क्रांति के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले तो आपसे पूछ ले कि इसका विश्व का जनक कौन है, विश्व का जनक। पहला ही पहला पॉइंट पूछ ले कि वर्ल्ड का फादर ऑफ है ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड। तो आपको याद रखना वर्ल्ड का कौन था? तो बोरलॉन्ग साहब था। कौन था? ई बोरलॉन्ग, ई नॉर्मल बोरलॉन्ग, आपको याद रखना बोरलॉन्ग, बोरलॉन्ग था। अब बात यहाँ पे आ गई, बोरलॉन्ग हरित क्रांति के विश्व के जनक थे। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, जो बोरलॉन्ग साहब है उसको किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया? तो पुरस्कार दिया था, जो पुरस्कार से सम्मानित किया था वो हरित क्रांति के क्षेत्र में नहीं दिया था, वो दिया था शांति के क्षेत्र में, पीस, शांति के क्षेत्र में। कई बार विद्यार्थी इसको गलत करते हैं, वो लिखते हैं कृषि के क्षेत्र में, गलत बात है। कृषि के क्षेत्र में उनको पुरस्कार नहीं दिया गया था, उनको शांति के क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह आपको याद रखना है। कि सर ये तो हो गया विश्व का जनक, अब भारत का जनक कौन है? देखो बात करेंगे भारत का जनक कि ग्रीन रिवोल्यूशन का इंडियन फादर ऑफ इंडियन कौन है, तो आप उनको याद रखना
अपने हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जी साहब, ये भारत के हरित क्रांति के जनक है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आपसे बोले कि सर हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया, शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, भाई शब्द किसने बोला, ग्रीन रिवोल्यूशन नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना विलियम गोल्ड ने दिया था। किसने दिया था बेटा, विलियम गोल्ड ने दिया था, यह विलियम गोल्ड ने दिया था, और यह कब दिया था, 1968 को दिया था, यह भी आपको याद रखना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, देखिए अपन को ध्यान रखना है कि भारत में हरित क्रांति का सत्रुपात, तो आपको याद रखना 1966 और 67 इस टाइम का प्रभाव रहा। आपसे पूछे कि सर हरित क्रांति का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, देखिए हरित क्रांति का जो उत्पत्ति स्थान है, जन्म स्थान है, कौन सा देश माना जाता है, तो अपन को याद रखना उत्पत्ति स्थान थी वो कौन सा है, इंडोनेशिया देश। कौन सा देश माना जाता है बेटा, इंडोनेशिया, जो अपना इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां से रिलेटेड हुआ था इनका, आपको ध्यान रखना। इसकी जो हरित क्रांति आने का कारण क्या रहा है, तो हरित क्रांति से ही क्रॉप प्रोडक्शन को यानी फसल उत्पादन को बढ़ाने का कार्य रहा, आपको याद रखना है, सीरियल क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब ये मेन पॉइंट थे अपन को याद रखना, कि आप कई बार ऐसे लिख लेते हैं हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना खाद्यान्न फसल उत्पादन को बढ़ाना, खाद्यान्न फसल है उत्पादन है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति जरूरी था, ग्रीन रिवोल्यूशन। आपसे पूछ लिया सर हरित क्रांति का शुरुआत कहां से हुई, क्यों लाया गया, भारत में सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव रहा पंजाब हरियाणा और वेस्ट गोदावरी, यह आपको याद रखना है, इन क्षेत्र को चुना गया था इन लोगों, और ये अपने मेन मेन पॉइंट जो मैं यह बात करूं तो मेन मेन, एक दिन अपने एक टॉपिक पढ़ा देंगे क्रांतियां रिवोल्यूशन सारी की सारी उसके अंदर आ जाएगी, अपने इस पे अभी क्यों पढ़ा रहे हैं, तो अपने इतना ही बहुत कुछ है, तो आप इसको नोट करिए सारे के सारे को, भाई शब्द किसने दिया, ये पूरे पॉइंट आपको आने चाहिए, ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड है ये सारे के सारे, आप ये इसको लिखिए। आपने थोड़े दो और पॉइंटों की बात कर लेते हैं, लिखिए यहाँ लिख दूंगा मैं साइड में, लिखिए इसके अंदर, लिखिए गेहूं में ए गुणित गुणसूत्रों की संख्या, ए गुणित गुणसूत्रों की संख्या x बराबर 7, आपको याद रखना, और आज बोले गेहूं के गुण पौष में गुण सूत्रों की संख्या आपको याद रखना है, ये भी 3n बराबर है 63, ये भी आपको याद होना चाहिए, या x बराबर 7 है गुणित के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए पहले। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, जगह खाली है, विश्व का मुख्य खाद्यान्न फसल है, विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है या मुख्य फसल है, यह भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले कि भारत की कौन है, तो भारत की चावल एशिया की चावल, और आपन को याद रखना है विश्व की पूछे तो कौन है, वो है गेहूं।
इसको नोट करिए सारे के सारे, देखिए इसको। एक और पॉइंट ध्यान रखना है, गेहूं एक बीज पत्री, गेहूं एक बीज पत्री पौधा है, यह भी याद रहना चाहिए। जबकि गेहूं सा द्विबीज पत्री है, पौधा है, तो ये लिखिए आप इस सारे सारे। देखो पढ़िए, खूब पढ़िए, पढ़ते जाइए, मन से पढ़िए, सब याद रहेगा। देखो आगे बात करते हैं बेटा, देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अपन ने पढ़ा, लिखिए गेहूं का नकलची खरपतवार, गेहूं का नकलची खरपतवार, गेहूं का नकलची खरपतवार। अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर बात कर रहे हैं, जब अपन को आगे बात करेंगे। नकलची खरपतवार कौन सा है, तो गेहूं सा है। अब गेहूं सा के बारे में अपन को लिखना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे गेहूं सा के बारे में कि गेहूं सा क्या होता है। सबसे पहले तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो लिखिए वानस्पतिक नाम है फैलेरिस है। क्या नाम है बेटा? फैलेरिस है माइनर। क्या नाम है? फैलेरिस है माइनर, इसका वानस्पतिक नाम है। क्या नाम है? फैलेरिस माइनर। दूसरी बात करें गेहूं का मामा, एक तो गेहूं का मामा है। दूसरी बात करें तो मूंडसी ग्रास, कौन सी ग्रास बेटा? मूंडसी ग्रास। और ये तीसरा नाम पूछे तो कौन सी ग्रास? केंद्रीय ग्रास, मूंडसी ग्रास, केंद्रीय ग्रास। और एक याद रखना द्विबीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री पौधा है। कैसा है? द्विबीजपत्री पौधा है। और एक पॉइंट और याद रखिए आप, देखो भाई इधर लिख देता हूं उसी के बारे में, फैलेरिस माइनर के बारे में। गेहूं सा का परीक्षण भार, गेहूं सा का परीक्षण भार, या अपन बोल सकते हैं टेस्ट वेट। क्या बोल सकते हैं? टेस्ट वेट। टेस्ट वेट कितना होता है? देखो पहले से पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सर परीक्षण भार क्या होता है। आपको मैं क्लियर कर देता हूं, परीक्षण भार होता है 1000 बीजों की संख्या का वजन। और अपन को जो परीक्षण भार करते हैं वो कौन से बीज लेंगे बेटा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो बीज लेंगे कौन से, बारीक फाइन सीड, छोटे सीड, इनको काम में लिया जाता है। और उनकी संख्या का वजन करते हैं, और उनकी संख्या का वजन कितना आता है? अगर 1000 संख्या का वजन जो भी आ रहा है उसको क्या कहेंगे? परीक्षण भार। और इसी को क्या नाम दिया गया? टेस्ट वेट। क्या नाम दिया गया बेटा? टेस्ट वेट। अब बात करें अपन से पूछ ले गेहूं सा का परीक्षण भार कितना होता है, टेस्ट वेट कितना होता है, तो आप लिखिए 2 ग्राम। ये भी अपन को याद रखना, कितने सीडों का? 1000 बीजों का। अब देखिए आप थोड़ी सी, मैं हाँ नोट करके लिखा रहा हूं। देखिए गेहूं का परीक्षण भार होता है ओनली फॉर गेहूं, वीट का, गेहूं का परीक्षण भार। आपसे पूछ ले सर गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है,
तो गेहूं का परीक्षण भार ध्यान रखिए, टेस्ट वेट होता है नाम मात्र कितना, 40 ग्राम। कितना होता है? 40 ग्राम गेहूं का, यह भी याद रखना। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जो मेन बात है अपन कर चुके हैं, मेन मेन पॉइंट। अब दो तीन पॉइंट और ले लेते हैं। गेहूं का नकलची खरपतवार आ गया, इसको मिमिक्री वीड के नाम से भी जानते हैं। क्या आप एक और नाम, एक एक लाइन और लिख सकते हो? देखिए, अनुकारी खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है। मिमिक्री वीड के नाम से भी जाना जाता है। नकलची खरपतवार, किसी की नकल कटाने वाला। अब बात करेंगे आगे। देखिए, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार, या आप बोल सकते हो आपत्तिजनक, या शैतान खरपतवार, या ऑब्जेक्शनल वीड्स के नाम से भी जान सकते हैं। आपको याद रखना वो है हिरण खुरी। कौन सी खुरी बेटा? हिरण खुरी, ऑब्जेक्शनल वीड्स, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। शैतान वीड्स लिखिए, इसको आप नोट करिए। इसके अलावा आप स्टार लगाइए, गेहूं की जल मांग, गेहूं की जल मांग कितनी है, या वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वीट। आपको याद रखना गेहूं की जल मांग है 450 से लेके 750 मिलीमीटर। इसको अपन एक भाषा के अंदर लिख सकते हैं, शॉर्ट एंड सटीक अपन लिख सकते हैं, 45 से लेके 65 सेंटीमीटर। ये भी याद रखना चाहिए। और गेहूं की मुख्य क्रांति की अवस्था भी अगर आपसे पूछ ले, मुख्य क्रांति की अवस्था मैं यहां लिख देता हूं गेहूं की। देखो अपन जो आप बाद में जब क्रांति की अवस्था पढ़ेंगे, सीटीजी एफएमडी वाली, तो अपने एक साथ लगवा देंगे, छह क्रांति की अवस्था मुख्य रूप से। पर मुख्य क्रांति की अवस्था पूछें तो मुख्य क्रांति की अवस्था यानी क्रिटिकल स्टेज, मुख्य क्रांति की अवस्था कौन सी है? तो मुख्य क्रांति की अवस्था के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले तो कौन सी आती बेटा? सीआरआई। कौन सी है? सीआरआई अवस्था। अपन को याद रखना कि सीआरआई अवस्था में पानी कब देते हैं, तो आपने याद रखना 21 21 दिन बाद, बुआई के 21 दिन बाद में पानी देना सीआरआई अवस्था, क्लाउन रूट वाली, या चंदेरी जड़े निकलते समय। देखिए आगे बात करते हैं बेटा, लिखो, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का क्षेत्रफल भी किसका आता है और उत्पादन का, तो आपका आंसर होना चाहिए वहां उत्तर प्रदेश। और उत्पादकता के अंदर पूछ ले प्रोडक्टिविटी, तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो कौन से राज्य की है? तो अपन को याद रखना है वो है पंजाब की प्रोडक्टिविटी। ये क्वेश्चन आईसीआर के अंदर पूछता है, वो तो याद रखना किसकी है? पंजाब की है प्रोडक्टिविटी। किसकी है? पंजाब की है। और कितनी है? तो आपको याद रखना 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यह भी आपको याद आना चाहिए। इसको भी अब इसी के बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सर, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अच्छी क्लास लगे तो आप कमेंट्स भी किए।